फाइनली मेरा न्यू स्टूडियो सेटअप हो गया, इसलिए इतने दिनों से आपको वीडियो शायद देखने को नहीं मिल रहा था। फिर भी मैंने वेस्ट इंडीज का वीडियो बनाया आपके लिए, ठीक है। मैंने कैसे करके अरेंज करके वेस्ट इंडीज का वीडियो बनाया और 3 मैच में 2 मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था, अल्ट्रा, क्योंकि आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल मैचेस ज़्यादा खेलता हूँ और आप लोग को भी इंटरनेशनल मैचेस का ही ज़्यादा टीम देता हूँ। बाकी बहुत सारे लीग है, ये वो फलना ढिकना, मैं CPL भी वैसे कवर कर रहा हूँ और अभी तक मैं 3 मैच कवर किया हूँ जिसमें 2 मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप उसमें भी किया हूँ, 1 मैच हमारा लॉस गया है, ठीक है, और 1 मैच हम मॉर्निंग में टीम नहीं दे पाए थे, मतलब टोटल 4 मैच में हम 1 मैच का टीम नहीं दे पाए थे, 2 मैच हमारा वन साइडेड गया, 1 मैच हम लॉस किए थे। तो ये 3 मैच का सीरीज है स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का T20 आएगा, तो उसके बाद फिर 11 तारीख के बाद भाई अब तो इंटरनेशनल मैचेस का भरमार है, तो मज़ेदार होने वाला है और हम आपके लिए फिर से गिवे लाएंगे। इस वीडियो में गिवे नहीं है लेकिन इंडिया का जो अभी मैचेस होगा ना उसमें हम आपके लिए फिर से गिवे लाएंगे। और ख़ास करके भाई ये मैच स्मॉल लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब आप स्मॉल लीग जरूर खेलना, ग्रैंड लीग आप खेलते हो ठीक है, बट स्मॉल लीग पे ज़्यादा फोकस करना। हम स्मॉल लीग के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताएंगे और ग्रैंड लीग के बारे में भी काफ़ी कुछ बताएंगे, वीडियो को अच्छे समझना। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये मैच स्कॉटलैंड में खेला जाएगा, तो पूरा ना एक तरफा मैच ऑस्ट्रेलिया के फेवर में लोग सोच रहा है लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, आप देख लेना। स्कॉटलैंड का भी प्लेयर आपको काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई देगा, अगर आप हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो हेड टू हेड अगर आप रिजल्ट देखोगे दोनों का, स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या खूबी है। मतलब जब स्कॉटलैंड में मैच होता है ना तब कुछ अलग टाइप का मैच होता है, वही मैच अगर कोई दूसरे जगह पर होता है फिर स्कॉटलैंड इतनी बुरी तरीके से हारता है आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन जब अपने होम ग्राउंड में खेलता है तो अच्छा खेलता है, ठीक है, तो मज़ा आने वाला है। वीडियो अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। और ये मैच शाम को खेला जाएगा, तो भाई साहब मतलब शाम को इंडिया टाइम के अनुसार शाम को मतलब मैच होगा, तो आपके लिए टाइम ही टाइम है, भर भर के प्यार देना और लाइक जरूर करना वीडियो में, ठीक है। और शाम को मैच है तो आपके पास टाइम ही टाइम है और उस टाइम तो सब लोग एक्टिव होता है, तो भाई वही IPL का टाइम है, IPL का तो चलो 7:30 बजे मैच होता है, ये 6:30 बजे मैच होगा, मतलब 1 घंटा पीछे है, ठीक है। हम 6 बजे लाइव आते थे IPL के टाइम में, याद है 5:30 बजे 6 बजे लाइव आते थे, तो उसी टाइम मैच खेला जाएगा और अच्छा है। शाम के टाइम में सब लोग एक्टिव होता है, कोई रनिंग करते हुए, कोई कुछ काम करता है, कुछ कुछ करता है, मैच तो सबको ही देख सकता है, ठीक है, मैच भी देख सकते हो, टीम भी लगा सकते हो, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच खेला जाएगा, पहला T20 मैच है और बहुत ही अच्छा मैच आपको देखने को मिल सकता है आज के मैच, आज के इस वीडियो में अच्छा डिस्कस करेंगे और अच्छी आपको टिप्स ट्रिक भी देंगे। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आपको 2 और चैनल का लिंक मिलेगा, एक आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा और आपको एक इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्टिंग चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप WhatsApp चैनल पे भी जरूर ज्वाइन होना, क्योंकि अभी आपने न्यूज़ सुना था ना कुछ दिन पहले, टेलीग्राम पे काफ़ी कुछ न्यूज आ रहा था, चाहे वो वायरल न्यूज था या फेक न्यूज था, जो भी था कि टेलीग्राम बैन हो सकता है, तो फिर आप लोग को टीम कहाँ पे मिलेगा, तो आपको हमारे WhatsApp चैनल पे भी टीम मिलेगा, ठीक है, और Instagram पे भी मिलेगा। तो WhatsApp चैनल का लिंक भी आपको टेलीग्राम के चैनल के जस्ट नीचे और Instagram का भी लिंक उसके जस्ट नीचे डाल दूंगा, ठीक है, और आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। और बाकी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, एक तो आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, देखो ये QR कोड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, देखो @KUMAR508TFC, जब ये सर्च करोगे ना तो आपको 3.5 लाख के आसपास टेलीग्राम चैनल दिखा देगा, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना। देखो ये मैच खेला जाएगा स्कॉटलैंड में, ठीक है, और आपको बता दूं यहाँ का पिच कैसा रहता है, बैटिंग भाई यहाँ पे जबरदस्त होता है, आपको दिखाऊंगा हेड टू हेड परफॉर्मेंस और 4 मैच का रिकॉर्ड, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे बैट्समैन बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, रन अच्छा खासा बनता है, इसलिए ट्रेविस हेड का कैप्टनसी में सिलेक्शन 41% है, 41-42 मतलब लगभग 40% सिलेक्शन है ट्रेविस हेड का, ठीक है, क्योंकि बैटिंग पिच है और ऊपर से ट्रेविस हेड आपको पता है कि इस बार IPL में क्या तबाही मचाया, अभी रिसेंटली अपने इंटरनेशनल मैचेस में क्या तबाही मचाया, तो सब लोगों ने ट्रेविस हेड को कैप्टन बना रखा है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे ना स्पिनर भी
विकेट लेके जाता है। अगर एडम जंपा खेलता है ना तो वो भी कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट पिक हो सकता है। और भी प्लेयर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही प्लेयर परफॉर्मेंस करेगा, आपको तो 11 प्लेयर का टीम बनाना है ना। तो आगे हम और आप बताएंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे जो मैचेस हुआ है ना, 15 मैचेस हुआ है, फर्स्ट बैटिंग करने वाला 11 बार, सेकंड बैटिंग करने वाला 4 बार जीता है। मतलब यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाला ज़्यादा जीतता है, एक तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे हाईएस्ट रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे 254 रन और सिर्फ 5 विकेट गंवाया था, और सबसे लोवेस्ट रन भी स्कॉटलैंड का ही है, 82 रन पे ऑल आउट हुआ था सेम इसी वेन्यू पे, ठीक है। और पेसर्स वर्सेस स्पिनर देखोगे तो यहाँ पे पेसर्स का ज़्यादा बोलबाला है, 87% पेसर ने विकेट लिया, सॉरी 66% और स्पिनर ने 34%। लेकिन अभी लास्ट अगर आप मैच देखोगे ना, 4 मैच का रिकॉर्ड, उसमें स्पिनर का भी आपको एकदम टक्कर वाला देखने को मिलेगा, बराबर वाला। तो यहाँ पे 4 मैच का अगर रिकॉर्ड उठा के देखते हो तो ये 10 मैच का अगर छोड़ देते हो 4 मैच का, तो फिर स्पिनर का भी ठीक ठाक देखने को मिला है, ठीक है, विकेट अच्छा खासा लिया है। और यहाँ पे जो रन बनता है 190 प्लस भी रन बनता है, 170 से लेके 190 के बीच में 150 है, लेकिन अगर देखोगे तो 190 प्लस ज़्यादा रन यहाँ पे बना है, ठीक है। तो आप इसी को अंदाज़ा लगा के रखो कि अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है तो हो सकता है 200 प्लस रन बन जाए, और अगर पहले स्कॉटलैंड बैटिंग करता है तो हो सकता है कि 150 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अगर 4 मैच के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं तो आपके सामने है 4 मैच का रिकॉर्ड। इसमें अगर देखो यहाँ पे स्पिनर का बोलबाला ज़्यादा है ना, 26 विकेट स्पिनर ने लिया है और पेसर्स ने 25 विकेट, ठीक है। तो 10 मैच का अगर आप रिकॉर्ड देखते हो तो वहाँ पे पेसर्स का ज़्यादा परसेंटेज है 66, लेकिन अगर ये 4 मैच का रिकॉर्ड देखते हो तो यहाँ पे स्पिनर का ज़्यादा परसेंटेज है। तो रिसेंटली जो 4 मैच खेला गया था उसमें स्पिनर ने ठीक ठाक विकेट लिया है, जिसमें कि स्कॉटलैंड पहले बैटिंग किया था, आयरलैंड के साथ मैच हुआ था, आयरलैंड का 9 विकेट गिरा था और स्कॉटलैंड ये मैच जीता था, जिसमें कि स्पिनर ने यहाँ पे 4 विकेट लिया और पेसर्स ने यहाँ पे 8 विकेट लिया। तो यहाँ पे तो पेसर्स ने ज़्यादा विकेट लिया है। अब यहाँ पे देखोगे 27 जुलाई 2023 को मैच हुआ था, यहाँ पे स्पिनर ने 7 विकेट लिया और यहाँ पे पेसर्स ने भी 7 विकेट लिया, ठीक है। ये मैच स्कॉटलैंड जीता था, डेनमार्क के साथ मैच था। अब डेनमार्क पता है ना कितना कमजोर टीम है। तो यहाँ पे टोटल अगर विकेट देखोगे तो 15 विकेट गिरा है, यहाँ पे टोटल विकेट अगर देखोगे तो 14 विकेट गिरा है। और यहाँ पे देखोगे न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का जो मैच हुआ था उसमें न्यूजीलैंड ने बैटिंग फर्स्ट किया था और सबसे हाईएस्ट रन इस ग्राउंड पे बनाने का रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड का ही है, 254 रन का पारी खेला था, 5 विकेट गवाया था, स्कॉटलैंड ने बनाए थे 152 रन, 9 विकेट गवाया था। मतलब यहाँ पे लगभग 14 विकेट गिरा है यहाँ पे भी। और अगर देखोगे तो यहाँ पे भाई साहब स्पिनर को मिला है विकेट ठीक ठाक, जैसे कि 7 विकेट मिला है, और पेसर्स को यहाँ पे 6 विकेट मिला है, ठीक है, 6 विकेट मिला है। अब यहाँ पे अगर देखोगे 27 जुलाई 2022 को मैच खेला गया था, मैं देखो ये बता नहीं रहा हूँ डेट कब कब मैच होगा, यहाँ पे लिख दिया 28 जुलाई 2023, 27 जुलाई 2023, ये न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच में न्यूजीलैंड ने बनाए थे 225 रन, 5 विकेट गवा के। यहाँ पे भी देखो 5 विकेट गवाया है, यहाँ पे भी 5 विकेट, और स्कॉटलैंड का 8 विकेट। मतलब सेकंड इनिंग में विकेट बहुत ज़्यादा गिरता है, ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग वाला यहाँ पे ज़्यादा जीता है। और यहाँ पे देखो कि सिर्फ 4 विकेट लिया था पेसर्स ने, और यहाँ पे भाई साहब दबा के विकेट लिया था स्पिनर ने, लगभग 8 विकेट स्पिनर ने, ठीक है। अब ये देखो ये जस्ट उल्टा है, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का मैच हुआ था, सॉरी ये स्कॉटलैंड आयरलैंड का मैच हुआ था, यहाँ पे देखो पेसर्स ने 8 विकेट लिया है, स्पिनर ने सिर्फ 4 विकेट। वहीं न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का मैच हुआ था, वहाँ यहाँ पे देखोगे तो भाई स्पिनर ने 8 विकेट और पेसर्स ने 4 विकेट, जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग के मुताबिक सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरता है, दोनों सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट लिया है दोनों ने, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आगे और हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लास्ट अगर हम लोग हेड टू हेड मैच की बात कर लेते हैं तो देखो ये मैच खेला गया था 15 जून 2024 को, 15 जून 2024 को, जिसमें कि जी मुंशी 35 रन का पारी खेला 23 बॉल पे, और अगर ब्रेंडम मैकलन की बात करते हैं 60 रन बनाया था 34 बॉल पे, स्ट्राइक रेट मतलब समझ लो कि 200 के आसपास, और आर बैरिंगटन ने 31 बॉल पे 42 रन बनाए थे। तो ये कुछ रन था। इधर से देखोगे एस शरीफ ने 2 विकेट लिया था, मार्क वॉट ने 2 विकेट लिया था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने 68 रन का पारी खेला था, स्टोनिस 60 रन का पारी खेला था, 24 रन बनाए थे टीम डेविड ने। इधर से जंपा ने 1 विकेट लिया और 1 विकेट नाथन लिस ने लिया था, ठीक है। ये मैच सेंट लुसिया में खेला गया था, ये चीज़ नोटिस करना, ये सेंट लुसिया में हुआ था मैच, ये स्कॉटलैंड में नहीं हुआ था मैच, ठीक है। तो ये चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखोगे नोटिस करने वाली चीज़ है कि
स्कॉटलैंड ने भाई साहब 180 रन बना दिया था 5 विकेट गवा के, और ऑस्ट्रेलिया ने 186 रन बनाए थे, और लास्ट के सिर्फ 2 ओवर बचा था तभी ऑस्ट्रेलिया जीत पाया था। मतलब टक्कर दिया है स्कॉटलैंड ने, ये चीज़ नोटिस करने वाली है, और दोनों का सिर्फ 5 ही विकेट गिरा था। लेकिन ये मैच वही मैंने बताया ना, सेंट लुसिया में हुआ था, ठीक है। तो भाई सेंट लुसिया और स्कॉटलैंड दोनों अलग अलग कंट्री है, ठीक है। तो सेंट लुसिया कंट्री नहीं, मतलब स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं माई इलेवन सर्कल के बारे में, माई इलेवन सर्कल आपके लिए ऑफर लेके आया फिर से भाई साहब। माई इलेवन सर्कल अगर इंटरनेशनल मैच हो और आपको ऑफर ना मिले, हो सकता है तो आपके लिए फ़ायदा ही फायदा है। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो, 1 रुपया में बना सकते हो आप 1 टीम, 5 रुपये में 5 टीम। अगर आप लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे तो आपको ये चीज़ याद हो गया होगा कि आपको हमेशा न्यू लिंक से डाउनलोड करना पड़ेगा, और न्यू नंबर से और न्यू जीमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे न्यू नंबर और न्यू जीमेल से, तो आपको 1 रुपये में 1 टीम, 5 रुपये में 5 टीम बनाने का मौका मिलेगा, जबकि इस टीम का प्राइस बहुत हाई होता है, 39-49 ऐसे चार्जेस होता है। तो मतलब ये समझ लो कि 5 रुपये में 5 टीम सीधे आपको 150-200 का फ़ायदा मिल रहा है, और अगर 150-200 का फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि आप 200-250 रुपये लगाओगे टीम लगाने में, मान लो 245 रुपये लगाते हो आप टीम लगाने में, ठीक है, और कहाँ 5 रुपये लगाते हो, तो कितना फ़ायदा है आपके लिए। तो माई इलेवन सर्कल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, इसका फ़ायदा उठाओ। अब एक और क्या फ़ायदा है कि बाय द वे अगर आपने ग्रैंड लीग जीता है तो जो भी फर्स्ट प्राइज है 5 लाख 10 लाख वो तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ अगर मान लो आपने ग्रैंड लीग नहीं जीता, अगर आपकी टीम विनिंग जोन में आता है तो 5 रुपये लगा के आपको 245 रुपये ये रियल कैश मनी मिलेगा आपको वॉलेट में, अगर आप विन करते हो तो। सारे टीम अगर आपका विनिंग जोन में रहता तो आप इसको फिर से विड्रॉ मार सकते हो, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, जितना बार उठा सकते हो फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। बाकी देखो फर्स्ट आने पे जो भी पुल प्राइज है या जो फर्स्ट प्राइज है वो तो मिलता ही मिलता है, साथ में उसमें जो बाइक जो है ना, ड्रीम बाइक, बहुत लोगों का ड्रीम बाइक है, तो उनके साथ साथ ये बाइक भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1500 का इंस्टेंट बोनस, अगर आप तुरंत डाउनलोड करोगे तो इंस्टेंट बोनस 1500 का मिलेगा, और 20% रियल कैश मनी मिलता है फर्स्ट डिपॉजिट पे। पहली बार अगर आप डिपॉजिट भी करते हो ना, तो सोचो एक तो 5 रुपये में 5 टीम, ऊपर से अगर आप 5 रुपये डिपॉजिट करते हो, सोचो 5 रुपये का आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो भाई इसका भी फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो ये हमेशा माई इलेवन सर्कल ऐप देता है, और इंटरनेशनल मैचेस में अभी 3-2 और मैच होगा उसमें भी हम आपके लिए ऑफर लेके आएंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठा लो, डाउनलोड कर लो, फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में माई इलेवन सर्कल का लिंक दे दिया हूँ, डाउनलोड कर लेना। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेइंग इलेवन के बारे में। तो देखो प्लेइंग इलेवन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मिचेल मार्क्स। मिचेल मार्क्स जो है वो टीम का कैप्टन है, ऑलराउंडर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में शायद बॉलिंग ना करे, ठीक है, हो सकता है कि शायद बॉलिंग ना करे, बट भाई कुछ नहीं कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कई बार ना 7 बॉलर 8 बॉलर को भी चांस दे देता है, और विमेंस मैच में तो छोड़ दो, अगर ऑस्ट्रेलिया का विमेंस अगर मैच होता ना तो भाई साहब 11 प्लेयर में 10 प्लेयर बॉलिंग करता है, सिर्फ एक विकेट कीपर को छोड़ के, नहीं तो 9 प्लेयर तो खैर कन्फर्म बॉलिंग करता है, पक्का बॉलिंग करती है। तो भाई 9 प्लेयर पक्का बॉलिंग करती है ये समझ लो कि भाई साहब विमेंस में। तो मेंस में भी 6 प्लेयर तो है, 6 तो बॉलर ऑलरेडी इसके पास है, बताऊँ कौन कौन है, एक तो रिली मैरेडिट, एक तो ठीक है जेवियर बेजलेट, उसके बाद देखो नाथन लेस, एडम जंपा, एरोन हार्डिस, मार्कस टोनिस, कैमरॉन ग्रीन, कितना बॉलर है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर ऑलरेडी इसके पास अवेलेबल है, और साथ में मिचेल मार्क्स 8 बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के पास, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास 8 बॉलर है। तो जिनमें से ओवर किसके कट नहीं होंगे वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ओवर कट वो नहीं होने वाला है वो जंपा का, ये तो पक्का बॉलिंग करेगा, और ट्रम कार्ड भी है मेरे लिए, मैं तो बताया आपको। उसके बाद ओवर कट नहीं होगा शायद मुझे नाथन लिस का, इसको भी शायद पूरे बॉलिंग मिलेगा, ठीक है। ओवर कट किसका नहीं होगा तो मुझे लग रहा है कि शायद बैडलेट का नहीं होगा, ठीक है। बार्टलेट का अगर नहीं होगा तो फिर किसका होगा, रिली मैरेडिट, एरोन हार्डी, मार्कस टोनिस, कैमरॉन ग्रीन और मिचेल मार्क्स, अगर ऑप्शन के तौर पे होगा तो मिचेल मार्क्स।
मिचेल मार्क्स का बहुत कम चांस है शायद बॉलिंग करने का, कैप्टन ने तो हो सकता है कि मुश्किल से एक ओवर बॉलिंग कर दे, ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर एक ओवर कर दे, लेकिन स्टोनिस का भी बहुत कम मुझे लग रहा है चांस है, अगर करेगा तो हो सकता है स्टोनिस दो ओवर कर दे, और अगर बहुत अच्छा बॉलिंग किया तो स्टोनिस चार ओवर भी बॉलिंग कर सकता है, चार ओवर भी कर सकता है, ये चीज़ नोटिस करना, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पे और भी हसीन अबॉट है, अगर ये खेलता है मुझे नहीं लग रहा है कि स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को खिलाएगा, मुझे नहीं लग रहा, नए प्लेयर को चांस देगा, रिली मेरेडिट बहुत अच्छा प्लेयर है, और ठीक है ये चीज़ याद रखना, बीबीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बहुत अच्छा, रिली मेरेडिट बीबीएल में तीन तीन विकेट लेके देता है, ये चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है। और देखो कूपर कॉनली की बात कर लेते हैं, ये भी अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा प्लेयर है, और इसको तो आपने देखा होगा खेलते हुए भी। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो जैक फ्रेसर मैकगर्क अगर ओपनिंग करता तो अच्छा है, सिलेक्शन थोड़ा सा अच्छा है, अगर ओपनिंग करेगा तो बढ़िया है, सब नीचे है तो फिर हम रिस्क ले सकते हैं। अब इधर से बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड की तरफ से कौन कौन सा अच्छा प्लेयर परफॉर्मेंस करेगा, अगर मार्क वर्ड खेलता है तो इसका रिकॉर्ड हेड टू हेड में बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद शरीफ का भी रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में, और बाकी परफॉर्मेंस कौन करेगा मेरे अकॉर्डिंग आपको बता दूँ वो टॉस पे डिपेंड करता है, अगर आगे हम जब प्रिडिक्शन देंगे ना वहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, एक बार प्लेइंग एलेवन आप देख लो, ठीक है। सैम मैक्सिमम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग एलेवन, इसका प्लेइंग एलेवन तो ऑलरेडी फिक्स ही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उसके अगेंस्ट में अपने बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर को खिलाएगा, इसमें बहुत सारा इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो मुझे लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर इंप्लीमेंट होता है तो कूपर खेल सकता है, शायद इसको मौका दे दे, ठीक है, और बाकी बस इसको मौका दे सकता और ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं एनालिसिस और स्टैट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले देखो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है मिचेल मार्क्स, वन डाउन बैटिंग करता है, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 8 का एवरेज रिकॉर्ड है, अगर ये वन डाउन बैटिंग करता है मिचेल मार्क्स, अगर वन डाउन बैटिंग करता है तो क्या इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दे रहा हूँ, अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो मिचेल मार्क्स इंपॉर्टेंट होगा, कम से कम 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा मिचेल मार्क्स, लेकिन अगर सेकंड बैटिंग करता है, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो आप मिचेल मार्क्स पे रिस्क ले सकते हो, आज के मैच में रिस्क लेके आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि ये सेकंड इनिंग में इस ये परफॉर्मेंस इसलिए उतना बेटर नहीं कर पाएगा सेकेंड इनिंग में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में तो आपको पता है कि बैटिंग पिच है, आपको आपने देखा रन यहाँ पे अच्छा खासा बनता है, अब पिच रिपोर्ट एग्जैक्ट क्या आएगा वो तो हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, और हाँ व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि अभी पता है ना सब हर जगह आप लोग ज्वाइन होकर रहो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, और इंस्टाग्राम भी, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग में क्यों फ्लॉप होगा, देखो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, बैटिंग पिच है तो फर्स्ट इनिंग में अच्छा रन बनाएगा, सेकेंड इनिंग में क्या होता है मिचेल मार्क्स ना कैप्टन है, ठीक है कैप्टन है, और आप एक चीज़ नोटिस करना सेकेंड इनिंग में ट्रेविस हेड भी देखना सेकेंड इनिंग में फ्लॉप होता है, फर्स्ट इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, आईपीएल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो या किसी का भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, ठीक है, और मैंने जब जब ट्रेविस हेड का प्रिडिक्शन दिया था आईपीएल में तब तब वैसे ही हुआ था जैसे दिया था, जिस दिन मैंने बोला था ट्रेविस हेड फ्लॉप होगा उस दिन ट्रेविस हेड फ्लॉप हुआ, जिस दिन मैंने बोला भाई आज ये दबा के रन बनाएगा उस दिन उसने दबा के, इस आईपीएल में तो हम लोग इतना तबाही मचाए थे क्या ही बताएं, लगभग 70-80% हम लोग मैचेस जीते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए थे हम लोग। अच्छा यहाँ पे हम मिचेल मार्क्स के बारे में जो बता रहे थे, चले हम यहाँ पे अदर ज्ञान की अलग बात है, मिचेल मार्क्स क्यों सेकेंड इनिंग में फ्लॉप होगा उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि भाई साहब देखो एक तो कैप्टन है और जल्दी रन बनाना, देखो स्कॉटलैंड अगर मान लो बना दिया 180 रन, ठीक है स्कॉटलैंड ने बना दिया 180 रन, और क्योंकि होम ग्राउंड है बना भी सकता भाई, बनाया भी है टूट में, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकता, तो कहीं ना कहीं क्या है ना ओपनर बैट्समैन का विकेट गिरेगा, ये चीज़ कंफर्म है सेकंड इनिंग में किसी ना किसी एक का विकेट गिरेगा, और वहाँ पे फिर मिचेल मार्क्स भी विकेट गवा के देगा क्योंकि ये भी बहुत फास्ट रन बनाता है तेजी से कैप्टनसी पारी, और वहाँ पे आके संभालेगा कौन सेकंड इनिंग में जॉस इंग्लिश या कैमरॉन ग्रीन, ये लोग आके पारी को संभाल लेगा, तो इसलिए फर्स्ट इनिंग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है सेकंड इनिंग में फ्लॉप हो सकता है। अब ट्रेविस हेड की बात कर लेते हैं, भाई ट्रेविस हेड का स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में 68 का एवरेज रिकॉर्ड है, 68 रन बनाया था और लास्ट देखो 76 यहाँ पे 31
यहाँ पे 68 रन। अब एक चीज और, मिजल मार्क्स का अगर देखोगे ना, यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू फ्लॉप है, सिर्फ एक मैच में परफॉर्मेंस किया, ये चीज नोटिस करना। ट्रेविस सेठ का पता है कैप्टनसी सिलेक्शन कितना है, 40% से प्लस सिलेक्शन है, इसको लोगों ने कैप्टन बना रखा है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि आईपीएल से अभी तक ट्रेविस सेठ मैक्सिमम 90% इसने परफॉर्मेंस किया है, सिर्फ 10% ही होगा कि फ्लॉप हुआ होगा, नहीं तो 90% ये चलता है। और देख लो इसको लेन के अगेंस्ट में क्या रन बनाता है। और मुझे लग रहा है कि ट्रेविस सेठ अगर मान लो दो ओवर भी खेल गया ना, तो आपको बॉलर से ज़्यादा पॉइंट देके चला जाएगा। तो ट्रेविस सेठ मुझे लग रहा है कि आज के मैच में फर्स्ट इनिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। फर्स्ट इनिंग में हो सकता है कि आपको 100 से प्लस पॉइंट दे दे, जो कि आपके लिए बेस्ट कैप्टन है। लेकिन सेकेंड इनिंग में मुझे ट्रेविस सेठ भी फ्लॉप लग रहा है, सेकेंड इनिंग में ट्रेविस सेठ मुझे फ्लॉप लग रहा है। तो मैं अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है तो मैं ट्रेविस सेठ को कैप्टन बनाऊंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता है तो मैं जंपा या रिली मेरेडिट किसी भी बॉलर को कैप्टन बना सकता हूं, लेकिन मैं ट्रेविस सेठ को वाइस कैप्टन भले बनाऊंगा लेकिन कैप्टन नहीं बनाऊंगा। जॉस इंग्लिस की बात कर लेते हैं। देखो अगर ये भी वन डाउन या टू डाउन आता है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे नीचे आता है तो फिर आप रिस्क ले सकते हो। बाकी इसका सिलेक्शन कम है, ठीक है, कम है सिलेक्शन, बट अगर पहले बैटिंग करे तो आप ट्राई कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि 40 के आसपास ही पॉइंट देके जाएगा, कैच उच लेके सब कुछ लेके 40। कैमरन ग्रीन की बात कर लेते हैं। बॉलिंग से उम्मीद तो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि इसको बॉलिंग मिलेगा, इतने सारे ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर है तो कोई भी बॉलिंग कर सकता है। और अगर बाय द वे कैमरन ग्रीन को अगर मौका मिला बॉलिंग, अगर पेसर्स को हेल्प मिला तो फिर कैमरन ग्रीन को मौका मिलेगा, तभी आपको 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा। अगर ये बॉलिंग नहीं किया तो मुश्किल से आपको ये 25 के आसपास पॉइंट देके जाएगा कैमरन ग्रीन, ठीक है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी देखो 27 रन एक विकेट, 38 रन एक विकेट, 32 रन एक विकेट और 40 रन, हर मैच में इसने विकेट लिया है। बॉलिंग मिलेगा तो 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, बॉलिंग नहीं मिला तो वो पिच रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं जैक फ्रेसर मैकगर्ग। अच्छा एक कैमरन ग्रीन के बारे में एक चीज और बता दे रहा हूँ आपको, हिट एंड मिस प्लेयर है, तेजी से रन बनाता है, आपने देखा होगा आईपीएल में खेलते हुए काफी फ्लॉप रहा फिर उसको बिठा दिया, ठीक है, कैमरन ग्रीन को। तो कैमरन ग्रीन का एक और बात बताता हूँ, देखो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता है, तो फिर कैमरन ग्रीन का मुझे लग रहा है कि शायद कैमरन ग्रीन को बॉलिंग मिलने का चांस एक दो ओवर हो सकता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है और अगर 200 प्लस रन बनाता है तो फिर ना स्पिनर विकेट ज़्यादा लेगा, ठीक है, ये चीज़ नोटिस करना। तो हो सकता है वहाँ पे कैमरन ग्रीन का ओवर कट हो सकता है या ना भी मिले, ये चीज़ नोटिस। जैक फ्रेसर मैकगर्ग की बात कर लेते हैं, अगर ये ओपनिंग बैटिंग करता है तो बहुत बेस्ट है, वरना सीधे सीधे इसको आउट कर दो अपनी टीम से, सिंपल सी बात है। ओपनिंग बैटिंग करता है तो सही है, प्लेइंग 11 में फर्स्ट डाउन वो ओपनिंग दिखाए तो बेटर है। मार्कस स्टोनिस की बात कर लेते हैं, इसका रिकॉर्ड 60 का एवरेज रिकॉर्ड है, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ये बॉलिंग कर सकता है 2 से 3 ओवर। मुझे लग रहा है कि रख लो क्योंकि सिलेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, स्मॉल के लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो स्टोनिस हमारे टीम में रहेगा। एरन हार्डी की बात कर लेते हैं, ये आपको एक विकेट प्लस, मुझे लग रहा है कि रन तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, 20 के आसपास मुझे लग रहा है रन बनाएगा, लेकिन एक विकेट मुझे लग रहा है एक से और एक दो कैच ले सकता है। एरन हार्डी की बात करते हैं, पार्ट टाइम बॉलर है, मुझे नहीं लग रहा कि इसको बॉलिंग मिलेगा। अगर भाई 8 बॉलर है, अगर वही मैं बोला ना पेसर्स को हेल्प मिला, फास्ट बॉलर को हेल्प मिला, तो एरन हार्डी को मिलेगा बॉलिंग, वरना मुश्किल है, ठीक है। बाकी 16, 6 तो ये अगर बॉलिंग नहीं मिला ना तो ये पूरी तरीके से फ्लॉप रहेगा भाई, पूरी तरीके से फ्लॉप रहेगा अगर एरन हार्डी अगर बॉलिंग नहीं मिला तो। एडम जंपा की बात कर लेते हैं, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, ट्रम्प कार्ड बॉलर, एक मैच में एक ही विकेट लिया है, लेकिन आपको बता दूं अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है और जंपा अगर सेकंड बॉलिंग करता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर सेकंड में बॉलिंग करता है तो जंपा 3 विकेट ले सकता है, जो कि हमारे लिए बेस्ट वाइस कप्तान के लिए बेस्ट पिक हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात देख लो आपके सामने, एक मैच में एक विकेट, हर मैच में 2-2 विकेट लेके दिया। अब नाथन लिलिस की बात कर लेते हैं, नाथन लिलिस 17 मैच में 28 विकेट, रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, एक एक विकेट, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में एक मैच में एक विकेट, तो इसको भी लेके चलना, इंपॉर्टेंट है, मेन बॉलर है, एक विकेट लेके देगा, हो सकता है कि ना भी खेले, अगर खेल जाए तो 1 विकेट, बाकी 2 भी विकेट ले सकता है, 2 विकेट मतलब 1 से प्लस ही विकेट लेके देगा।
जेवियर की बात करते हैं, अगर इसका देखोगे परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में खेला नहीं है, इनका सिलेक्शन कम है, लेकिन आपको बता दूं ये 2 से प्लस विकेट लेके देगा, बहुत अच्छा है। बीबीएल में भाई क्या खतरनाक परफॉर्मेंस करता है, बीबीएल में जाके इसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये जाके लास्ट में दैत में भी बॉलिंग करता है और भाई साहब तबाही वाला, यहाँ पे भी दैत में लिखा हूँ, दैत में बॉलिंग कर सकता है, तबाही वाला विकेट लेता है और साथ में रिली मैरिडिट भी बीबीएल में शानदार परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, ये सब जो प्लेयर है ना बीबीएल का प्लेयर है, इंटरनेशनल मैचेस में ज़्यादा मैचेस खेला नहीं है, लेकिन रिली मैरिडिट अगर देखोगे ना ये गुच्छे में विकेट लेता है, जब भी विकेट लेगा 3 विकेट लेगा, कई बार ये 5 विकेट भी लेता है, कई बार 5 विकेट भी लेता है, तो ऐसे प्लेयर को आप जीएल में कैप्टन बना सकते हो। अगर ये दोनों खेलता है ना तो दोनों के दोनों विकेट लेगा, ठीक है, दो दो विकेट दोनों लेगा, तो ये दोनों के दोनों ट्रम्प कार्ड हो जाएगा, जिनका 4 या 5% सिलेक्शन है, ये दोनों दोनों मिला के 4 से प्लस विकेट लेके देगा, दोनों रिली मैरिडिट और जेवियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कूपर कॉनली, कूपर कॉनली का अगर देखोगे ना तो भाई साहब शानदार परफॉर्मेंस है, अच्छा खासा बैटिंग किया है। सीन एबॉट की बात कर लेते हैं, सीन एबॉट तो आपको पता है यार मेन बॉलर है, ये तो बीबीएल में तो है ही, इसको तो लोग वाइस कैप्टन बनाता है, कैप्टन बनाता है, क्योंकि ये 5 नंबर पर बैटिंग करने आता है, यहाँ पे नहीं आएगा 5 नंबर पर बैटिंग करने के लिए, बीबीएल में आता है 5 नंबर 6 नंबर पर बैटिंग करने आता है, और साथ में भाई साहब ये बॉलिंग भी डेथ में आके करता है। ठीक है, तो इसको विकेट पक्का मिलता है, तो सीन एबॉट अगर खेलता है तो फिर शायद हो सकता है कि इसको 2 से प्लस विकेट मिले। टीम डेविड हिट एंड मिस प्लेयर है, और पहले बैटिंग करे, और अगर आप स्कॉटलैंड के फेवर में टीम बनाते हो तो टीम डेविड को रखना, वरना मत रखना, क्योंकि इसका रिकॉर्ड वैसे भी खास नहीं है, 12 का एवरेज रिकॉर्ड है। और स्पेंसर जॉनसन की बात कर लेते हैं, लैपटॉम फास्ट बॉलर है स्पेंसर जॉनसन, इसको तो आपने इंटरनेशनल मैचेस में भी खेलते हुए देखा होगा, स्पेंसर जॉनसन ये तो खेलता है, बीबीएल में भी खेलता है, बीबीएल में तो ये सब बॉलर मेन बॉलर में कहलाता है। ठीक है, रिली मैरिडिट हो गया, जेवियर हो गया, स्पेंसर जॉनसन हो गया, एरॉन हार्डी हो गया, ये लोग तो मेन होता है बीबीएल का, तो अगर ये खेलता है तो 2 से प्लस विकेट लेके देगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग स्कॉटलैंड के प्लेयर के बारे में, जॉर्जी मुंसी के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, फॉर्म की बात करते हैं, 35 रन बनाया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, इस वेन्यू पे 29 का एवरेज रिकॉर्ड है। ठीक है, रिसेंट फॉर्म 35 रन 41 रन 41 रन और 12 रन, अगर पहले बैटिंग करता है तो लेके चलना, 30 रन के आसपास ये बना के आपको देगा, 30 से ज़्यादा रन। मैथ्यू क्रॉस की बात कर लेते हैं, इसका 18 का एवरेज रिकॉर्ड है, 19 का एवरेज रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे, ये आपको यही बस 18 19 20 रन बनाते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप रिस्क भी ले सकते हो। बाकी मिचेल लिक की बात कर लेते हैं, इसका परफॉर्मेंस देखोगे ना तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 5 का एवरेज रिकॉर्ड है, 1 मैच में 5 विकेट। ठीक है, लेकिन भैया राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया भी स्पिनर के खिलाफ कई बार फंसता है, मैंने देखा है फंसते हुए, खास करके ट्रेविस हेड, मिचेल मार्क्स, ये लोग स्पिनर के खिलाफ बहुत तेज़ी से फंसता है, बट फिर भी इसका इस वेन्यू पर अच्छा रिकॉर्ड है, 14 मैच में 18 विकेट लिया है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि अगर स्कॉटलैंड पहले बॉलिंग करता है तो हो सकता है कि ये 1 विकेट और कुछ रन बना के, मतलब 50 के आसपास ये पॉइंट दे के आपको जाएगा। बाकी बात करते हैं मिचेल जॉनस की बात कर लेते हैं, इसका अगर देखोगे तो बैटिंग से उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, मुझे लग रहा है फ्लॉप रहेगा। ब्रेंडन मैकुलम की बात कर लेते हैं, मैकुलन, इसका अगर देखोगे 60 रन बनाया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, और इस वेन्यू पे 42 का एवरेज रिकॉर्ड है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, लास्ट मैच 80 रन बनाया है, उसके पहले 61 रन, और यहाँ पे 3 मैच फ्लॉप रहा है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। बैरिंगटन की बात कर लेते हैं, 42 रन, साथ में ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता है, लेकिन पार्ट टाइम बॉलिंग करता है बैरिंगटन, तो अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करता है तो बैरिंगटन को मत रखना, सेकेंड इनिंग में ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सेकेंड इनिंग में ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगा, ये चीज़ नोटिस कर लेना। ठीक है, मैं लिख दिया सेकेंड इनिंग में। क्रिस ग्रीव्स की बात कर लेते हैं, इसका 40 का एवरेज रिकॉर्ड है, 6 मैच में 4 विकेट लिया है, जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है। अब मैंने क्या बताया कि ऑस्ट्रेलिया का जो बैट्समैन है ना स्पिनर के खिलाफ फंसता है, तो कई बार अगर आप ग्रैंडली खेलते हो ना, कई बार आप स्कॉटलैंड के स्पिनर पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, ये चीज़ नोटिस करना, बाकी स्मॉल लीग पे ज़्यादा फोकस करो बेटर रहेगा। तो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, अगर पहले बॉलिंग करता हो सकता है 1 विकेट इसको मिल सकता है, 2 भी विकेट मिल जाए। बाकी शरीफ की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में इसने 2 विकेट लिया था, राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर, इस वेन्यू पे भी 1 मैच में 2 विकेट मिला, इसको 1 विकेट मिलेगा। और आगे हम लोग बात करते हैं मार्क वॉट की बात करते हैं, ये बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, 16 मैच में 15 विकेट, 1 मैच में 2 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और लेफ्ट आर्म और सामने में राइट ही बहुत ज़्यादा है, मेरे अकॉर्डिंग ये 2 विकेट पक्का लेगा, जो कि आपके लिए एक फिक्स प्लेयर के तौर पे ये सही है।
आप इसको फिक्स प्लेयर पे रख सकते हो ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में भी। ब्रैडी करी की बात कर लेते हैं। ब्रैडी करी अगर देखोगे लेफ्ट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है, 6 मैच में 12 विकेट है इस वेन्यू पे। इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ऊपर से लेफ्ट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है, ठीक है। तो देख लेना, कई बार ना राइटी को लेफ्टी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ऊपर से इसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी मुझे लग रहा है कि 2 विकेट लेके देगा, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे सोले की बात कर लेते हैं, इसको देखा होगा आपने खेलते हुए, इसका भी रिकॉर्ड अच्छा है इस वेन्यू पे, 4 मैच में 4 विकेट, ये लग रहा है मुझे शायद 1 विकेट लेगा फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे ब्रैडी, उसके बाद मार्क वॉट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो 2 विकेट। उसके बाद यहाँ पे एक और प्लेयर का मैं बता देता हूँ जिनका रिकॉर्ड बढ़िया है। देखो साफियान ने विकेट लिया है, साफियान नो डाउट इसने विकेट लिया है, इनका सिलेक्शन बहुत हाई होगा, ये 1 विकेट से ज़्यादा नहीं लेगा। तो अगर आपको ट्राई करना है, ठीक है, तो जो कि आपके लिए बेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक तो स्पिनर के खिलाफ फंसता है कई बार टीम, तो आप क्रिस के साथ, ग्रिप्स के साथ जा सकते हो और बैनिंगटन के साथ भी जा सकते हो, बैनिंगटन। लेकिन जो इनके मेन बॉलर है वो है मिचेल लिक, आप इनके साथ जरूर जाना, मिचेल लिक। मैं 2 बॉलर को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, मिचेल लिक और मार्क वॉट, ये 2 बॉलर रिकमेंड करूँगा। और अगर रिस्की में ग्रैंड लिक ट्राई करना चाहते हो तो आप ब्रैडी के साथ जा सकते हो, ब्रैडली सॉरी। यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो बेंच प्लेयर में जैक जैवरिस है जिनका बैटिंग उतना खास नहीं है, जैस्पर है उतना खास नहीं है, और चार्ली जो है, अगर चार्ली का देखोगे तो इसका भी रिकॉर्ड उतना खास नहीं है, ठीक है। ऑली हैरिस की बात कर लेते हैं, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ब्रैडन विल की बात करते हैं, 1 मैच में 1 विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में लिया है, तो ये मुझे लग रहा है कि खेलेगा तो विकेट जरूर लेगा, क्योंकि कई कई बार क्या होता है नए प्लेयर को ना प्लेयर पहचान नहीं पाता है ना, वो विकेट लेके चले जाते हैं। और चार्ली टियर की बात कर लेते हैं, इसका रिकॉर्ड उतना। तो दोस्तों चलिए टीम बनाते हैं, अगर आप टीम देखोगे तो कुछ इस प्रकार का टीम है, और ये बॉलिंग फर्स्ट में वर्क करेगा, फर्स्ट अगर बॉलिंग किया ना तो ये टीम वर्क करेगा, ठीक है। और लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट करता है ना तो ये कैप्टन फिक्स रहेगा, ठीक है, कैप्टन ट्रेविस हेड बैटिंग फर्स्ट में अच्छा करता है। वैसे सेकंड इनिंग में भी आपने देखा होगा, एक मैच लखनऊ और हैदराबाद का मैच था जिसमें कि 10 ओवर में भाई ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने फिनिश कर दिया था लखनऊ को, क्या बुरी तरीके से हराया था, जबकि 160 रन था। ये तो आपको T10 में भी देखने को मिलता है ना, लेकिन T10 तो फिक्सिंग होता है, T10 में तो 180 रन बन जाते हैं 10 ओवर में, और सामने वाले का 0 विकेट भी नहीं गिरता है। कई T10 आपने देखा होगा भाई, T10 में कितने फिक्सिंग होता है कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, इसलिए मैं T10 कभी नहीं खेलता। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेविस हेड, तो ट्रेविस हेड आपको बता दिया कि कैप्टन मैंने बनाया है, और वाइस कैप्टन मैंने एडम जंपा को बनाया है। लेकिन अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करता है, अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करता है, ठीक है, स्कॉटलैंड अगर पहले बैटिंग करता है तो ये टीम वर्क कर सकता है, अच्छा खासा वर्क कर सकता है। लेकिन अगर स्कॉटलैंड पहले बॉलिंग करता है और पहले अगर बैटिंग करता है, तो यहाँ पे मैंने स्कॉटलैंड के भी काफ़ी प्लेयर मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का विकेट काफ़ी गिरेगा और स्कॉटलैंड टक्कर देने वाला है ऑस्ट्रेलिया को। तो मैं आपको बताता हूँ जीतने का चांस कितना ज़्यादा है किसके साथ। ऑस्ट्रेलिया का जीतने का चांस है 65% और 35% चांस है स्कॉटलैंड का जीतने का चांस, 35% और 65%, ठीक है। लेकिन शुरू में आपको कुछ टाइम में ऐसा लगेगा कि भाई ये भी जीत सकता है कुछ टाइम में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीतेगा मैच, तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। लेकिन आप वन साइडेड टीम मत बनाना, ठीक है, आप जैसे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट दिखे तो आप भाई कुछ बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले तो लिक तो मैंने अपने टीम में रख लिया है, यहाँ पे ग्रिफ्स नहीं, मार्क वॉट इंपॉर्टेंट होगा उस, ठीक है। उसके बाद ब्रेडली इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और बैटिंग में और कौन कौन अच्छा बिताम, मैकुलेन अच्छा बैटिंग कर लेता है और जी मुंशी अच्छा बैटिंग कर लेता है, ठीक है, ये प्लेयर अच्छा है। बाकी देखो अगर आप रिस्की कैप्टन बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ रिस्की कैप्टन आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, रिली मेरेडी जो कि विकेट लेता है गुच्छे में 3-4 विकेट लेके चला जाता है, ठीक है, ये है आपके लिए रिस्की के लिए। और किसको आप रिस्की में कैप्टन बना सकते हो, नाथन लिलिस को मैंने फिलहाल रखा नहीं, नाथन लिलिस अगर खेलता है तो आप इसको भी कैप्टन बना सकते हो, ठीक है। बाकी
अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड कर लेना, वीडियो को पहले कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ, मैंने बताना भूल गया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप हमारे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अभी बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस आने वाला है, मज़ा आएगा, स्टूडियो सेटअप हो चुका है, तो आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाते रहिए, लाइक जरूर कीजिए, मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।